जगन्नाथ की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है, जो भी निस्वार्थ आता है जगन्नाथ स्वामी के द्वार, कुछ न कुछ उसे जरूर मिलता है। आप सभी को रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनल और आप देख रहे हैं न्यूज हॉकर्स। आज ही के दिन यानी कि 20 जून को विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। ये यात्रा उड़ीसा के पुरी में हर साल आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकाली जाती है। इसके बाद आषाढ़ शुक्ल के 11वें दिन जगन्नाथ जी की वापसी के साथ इस यात्रा का समापन होता है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं और उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर चार पवित्र धामों में से एक है। वहां पर श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा होती है। इस मंदिर में तीनों की मूर्तियां विराजमान है। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दिन बारिश जरूर होती है और आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इस दिन बारिश न हुई हो। साथ ही बताया जाता है कि जब से जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हुई है, तब से ही राजाओं के वंशज पारंपरिक रूप से सोने के हत्ते वाली झाड़ू से जगन्नाथ जी के रथ के सामने झाड़ू लगाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त इस शुभ यात्रा में सम्मिलित होते हैं, उन्हें 100 यज्ञों के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र व सुभद्रा के रथ नारियल की लकड़ी से बनाए जाते हैं, क्योंकि ये लकड़ी हल्की होती है और इन्हें आसानी से खींचा जा सकता है। भगवान जगन्नाथ के रथ का रंग लाल व पीला होता है। इसके अलावा ये रथ आकार में बड़ा होता है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ये एक ऐसा पर्व है जहां भगवान खुद ही घूमने निकल जाते हैं। आइए जानते हैं आखिर क्यों निकाली जाती है ये रथ यात्रा। पद्म पुराण के अनुसार भगवान जगन्नाथ की बहन ने एक बार नगर देखने की इच्छा जताई। तब जगन्नाथ और बलभद्र अपनी लाडली बहन सुभद्रा को रथ पर बैठाकर नगर दिखाने निकल पड़े। इस दौरान वे अपनी मौसी के घर गुंडीचा भी गए और वहां 7 दिन ठहरे। तभी से जगन्नाथ यात्रा निकालने की परंपरा चली आ रही है। साथ ही नारद पुराण और ब्रह्म पुराण में भी इसका जिक्र है।